हेलो बच्चों बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड, है ना बच्चों। बच्चों इसके पहले कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, इसको बताने के पहले हम लोग पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते ही क्यों हैं। नहीं समझे आप, मान लीजिए अगर मैं H2O की बात कर रहा हूँ, H2O है ना, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो H2O का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक। अब हमारा प्रश्न ये है कि आखिर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी थी, कौन सी नीड थी कि वो अपना एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए गए और H2O बना। तो बच्चों इसका जवाब बहुत ही सिंपल है और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। सिंपल जवाब इसका, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, है ना। यहाँ जो ऑक्टेट वर्ड है, ऑक्टा का मतलब यहाँ पे होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको बच्चों पता है कि पूरी पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप 18 है, जिसको कि नोबल गैस फैमिली भी हम लोग कहते हैं, उसमें ये एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। बच्चों इसमें हीलियम को छोड़कर, हीलियम के वैलेंस शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये इसका एटॉमिक नंबर लिखा है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि इन सबों के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चूंकि ये सब केमिकली इनएक्टिव हैं, इसलिए इनको देखा देखी पीरियडिक टेबल के अदर एलिमेंट भी ये कोशिश करते हैं कि उनके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक। इसीलिए एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, और जब वो कंबाइन करते हैं तो एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड, है ना। अब ये बच्चों केमिकल बॉन्ड जो होता है वो 2-3 टाइप का होता है, जिसपे हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड। आखिर ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है और ये बनता कैसे है, है ना। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, ठीक। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर ये बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें बनेगा एक केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला, और एक बनेगा एनायन जिसपे होगा निगेटिव चार्ज, ठीक। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में होगा उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के रूप में पहले लिया है NaCl, सबसे सिंपल है और ये कॉमन साल्ट के नाम से भी फेमस है, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि NaCl का लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे। बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें दो एलिमेंट हैं, है ना, एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन, ठीक। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चों देखिए, आपको पता है कि सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, है ना, यानी कि इसके वैलेंस शेल में होंगे एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इसी तरीके से जो क्लोरीन है, ये पीरियड टेबल में ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर उसका 17, तो 287 इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ठीक। अब हम इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन के यहाँ शो करेंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, ठीक बच्चों। अब चूंकि बॉन्ड बन रहा तो बीच में लोग प्लस साइन लगा देते हैं, यहाँ एक एरो लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए, जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो चलिए हम लोग वन बाई वन देखते हैं सोडियम को तो और फिर क्लोरीन को। सोडियम के वैलेंस शेल में है एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके इस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का 2 क्राइटेरिया है, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या और 7 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए। तो बच्चों ये बहुत आसान है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना रादर देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन। सेम कंडीशन क्लोरीन के साथ है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसका 2 तरीका है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना कठिन है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की सोचेगा। अब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा और दोनों का काम हो जाएगा। सोडियम चूंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब सोडियम के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज Na+, और क्लोरीन ने चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे और एक इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम कर लिया, इसलिए इस पर आ गया निगेटिव चार्ज। और बच्चों यही है NaCl का लीविस डॉट स्ट्रक्चर। और बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी भी टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक।
तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। चलिए अब हम एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये है कैल्शियम फ्लोराइड यानी CaF2। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक कैल्शियम और दो फ्लोरिन है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एटॉमिक नंबर 20 होता है, और फ्लोरीन फिर से क्लोरीन के तरह ही हैलोजन फैमिली का, जिसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों आपको पता है चूँकि ऐड कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसलिए हम इस तरीके से दिखा देंगे। अब एक फ्लोरीन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक फ्लोरीन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। तो कैल्शियम बेचारे ने तो चूँकि दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए कैल्शियम के ऊपर आ गया दो पॉजिटिव चार्ज, ओके। और चूँकि बच्चों फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसके ऊपर आ जाएगा एक निगेटिव चार्ज, है ना। अब ये बन गया फ्लोराइड आयन, ये बन गया कैल्शियम आयन, लेकिन आपको पता है यहाँ पे दो फ्लोरीन है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है वो टू लिखने का, चाहे तो आप यहाँ पे टू लिख के शो कर दीजिए, चाहे यहाँ पे, लेकिन लिखना पड़ेगा, यहाँ मत लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा एक फ्लोरीन के पास दो निगेटिव चार्ज है, जो कि है नहीं, तो हमने यहाँ लिख दिया। और इस तरीके से बच्चों ये कैल्शियम फ्लोराइड का हमारा लिविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया और NaCl का, और इस प्रश्न का जवाब कि आखिर एलिमेंट्स कंबाइन करते ही क्यों हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग के प्रति एक समझ विकसित होगी। जय हिंद।